और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का ऐसा प्यार देख के, ऐसा सपोर्ट देख के, बहुत अच्छा। कुछ दिन पहले हमारे शादी को 1 साल होने वाले हैं, लेकिन कुछ भी मतलब कि ऐसा होता है कि कुछ बदल जाए दोनों में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम दोनों में और हमारा बॉन्ड मजबूत हो गया है हम दोनों। मुस्तफ़ा तो को इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है, सच में गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये फ्रिज से पानी, पीने वाला पानी निकाल कर अपना मुँह धो रहे हैं फ्रिज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल श्रीका साहिब। आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हमारे जो घर में दीदी आई है, तो मेरी नंद भी, वो भी अभी ठीक ही है। थोड़ा सा उनको कमज़ोरी है, थोड़ा सा नहीं कुछ ज़्यादा ही है, वो अभी आराम कर रही हूँ, वो ठीक ही है। तो आप लोगों को बहुत जल्द सरप्राइज मिलने वाला है, और आप लोग इससे पता है कुछ कुछ लोगों को, और कुछ लोग अगर पता नहीं तो मैं बता दूं कि हमारी एनिवर्सरी आ रही है कुछ दिन बाद ही है। 21 अप्रैल को हमारा एनिवर्सरी है, 1 साल होने वाला है। पता भी नहीं चला 1 साल कब गुजर गया हम दोनों को साथ में, सच में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। और 1 साल हमारे शादी को होने वाला है, तो कुछ है प्लान। तो आप लोगों के साथ मैं बहुत सारा ब्लॉग शेयर करूँगी, और बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग वीडियोस आने वाले हैं। तो आज मैं जाऊँगी पार्लर, कि मुझे आईब्रो वगैरह बनवाना है इसीलिए। और आप लोगों को बहुत जल्द पता चलेगा कि हम लोग कैसे अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हैं, और आप लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगेगा देखकर हमारा वीडियो। तो हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे अगर चैनल पे आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के ब्लॉग में मैं अभी नहीं बता सकती, लेकिन जो जो होगा मैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं खाना बना रही हूँ, और अभी 11 बजने वाले हैं, लेकिन आजकल खाना जल्दी बना लेती हूँ जल्दी, क्या इतना ज़्यादा धूप आ जाता है किचन में, बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगने लगता है, इसीलिए 11 बजे तक मैं कंप्लीट कर लूँगी बना के खाना। और नाश्ता वगैरह हम लोग कर चुके हैं, नाश्ता भी सुबह बन गया था, और मैं कल ऑयलिंग भी की थी, तो मैं सुबह शैम्पू भी कर चुकी हूँ। तब मुझे अभी पार्लर जाना है थोड़ी देर बाद, नज़दीक में ही है, पास में ही है, तो मैं जाकर आऊँगी। और मुझे कुछ कुछ सामान भी अपने पतिदेव से मंगवाना है, तो मैं वो सब मंगवा लूँगी, क्योंकि मेरा बिंदी वगैरह सब नहीं है, बिंदी नेल पॉलिश, तो मैं उनको बोल चुकी हूँ, मैं बोले कि ला दूँगी, मैं ला दूँगा। मैं नहीं जा रही हूँ बाज़ार, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है, जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, इतना धूप है ना, क्या बताऊँ मैं। तो वो शाम को जाकर ला देंगे मुझे, तो मैं भी चाहती हूँ कोई ला दे, मुझे जाने में अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे आ गया है अनार का जूस दीदी के लिए। अपने लिए जुगाड़। हाँ हाँ पी लीजिए। ORS पी थे कि नहीं आज? पी थे हाँ। ऐसे पी लेंगे तो अच्छा होगा, दो तीन। भी लग रहा है, और पंखा भी नहीं चल रहा है, आपको चलाइए पहले। देखिए बोर्ड पे लाइन, अरे बहुत कैसे लगा रहे हैं, अपने आपको कलाकार समझ रहे हैं। शॉर्ट अभी दे देगा ना, से कलाकार ही निकल जाए। कहाँ हुआ है, चेक करो। हो गया है, हमारे रूम में लाइट का कनेक्शन नहीं आ रहा था, सिर्फ इन्वर्टर आ रहा था। छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए। बिरनी पूरा रहे हैं, बिरनी भाग गई भाग गई भाग गई। फिर आ गए इधर से घूम के। ये राम देखिए, सब ठंडा पानी बर्बादी कर रहे हैं।
सब छिट छिट के देखते हैं और उसको जगा रहे हैं। काट लेंगे, ऐसे मत कीजिए, उसका पीछे लग रहे हैं आप। इधर आई आई फिर आई। हम नहीं हटेंगे वीडियो। ऐसा लग रहा है गमछा हटाइए ना। हम श्री राम के भक्त हैं। अच्छा बापा इधर है। क्या कर रहे हैं मिस्टर भारत को इतना ज्यादा गर्मी लग रहा है। सच में गर्मी बहुत ज्यादा है। तो ये फ्रिज से पानी, पीने वाला पानी निकाल कर अपना मुंह धो रहे हैं, फेस वॉश कर रहे हैं, और मैं तो सीधा बर्फ बर्फ ही निकाल के अपना मुंह धो रही हूँ। बहुत ज्यादा जलन हो रहा है, पता है सोए थे तो ना इसे बहुत ज्यादा जलन हो रहा था। इतना ज्यादा गर्मी लग रहा था, बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा। और मेरा सिंदूर यहाँ फैल गया है। ठीक है, थोड़ा आपको बोले हम गुपचुप लाए, अभी नहीं बाद में। तो हम लोग का प्लान क्या है अभी हम लोग नहीं बताएंगे के लिए। मैं नहीं बताऊंगा। सबके लिए भी सरप्राइज है। मैं आ गई हूँ अभी पार्लर, क्योंकि मुझे बनाना है आईब्रो, और मेरे साथ में आई है मम्मी। और मैं आ गई हूँ घर, सिर्फ मुझे आईब्रो ही बनवाना था, तो मैं सिर्फ आईब्रो बनवा ली और आ गई। मैं ज़्यादा फेशियल वगैरह नहीं करवाती हूँ। शादी के बाद एक बार करवाई हूँ, उसके बाद नहीं करवाई हूँ। मैं बोलते हैं ऐसे ठीक है, क्या फेशियल करवाऊंगी। तो अब जा रहे हो नीचे डिनर का तैयारी कर, देखती हूँ क्या बनेगा खाना में, वो तो मुझे भी नहीं पता है। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में रात का डिनर बनाने के लिए। तो आज मैं बनाऊंगी आलू का भुजिया और घी वाला पराठा। तो मैं पहले तैयारी कर लेती हूँ। मैंने चढ़ा दिया है भुजिया, आलू का भुजिया बनाने के लिए, और थोड़ा सब्जी भी है फ्रिज में, उसको मुझे गर्म भी करना है। क्या लेके आए? कुछ का हाँ, 5,000 हो गया हमारा सब्सक्राइबर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का ऐसा प्यार देख के, ऐसा सपोर्ट देख के, बहुत अच्छा। कुछ दिन पहले हमारा अभी 4K हुआ था और आज 5K हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही हम लोगों को सपोर्ट करते रहिए, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो जितने लोगों ने मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे प्यार दे रहे हैं, उन लोगों को बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा प्यार। तो ऐसे मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा, और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है, और आगे भी मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग देख ही सकते हैं, अभी 7 था लेकिन फिर 8 हो गया है, और ये 5,000 हमारा सब्सक्राइबर। लोग दीदी के लिए लेके जा रहे हैं, पूरा घर अंधेरा करके रख दिए हैं। रुक चुप, दो ही खाइए ना, और दे मम्मी को देंगे। सब्जी में क्या खा रहे हैं? देखिए ना ये
वाला साग लेके आए हैं। आप बोले लाल साग, तो लाल ही तो है इसमें। लाल है, थोड़ा बहुत लाल है। कहाँ लाल है, ये बनाइए ऊपर हमारे नीचे से। तो मैं अपने रूम में आ गई हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर और पंखा भी चल रहा है। हो सके आप लोगों को थोड़ा बहुत आवाज़ मेरा डाउन आ रहा होगा, लेकिन मैं तो भी तेज़ बोल रही हूँ कि आप लोगों के पास आवाज़ जाए मेरा। तो मेरा भुजिया भी बन गया है, मैंने भुजिया बना के रख दिया है और मैं बनाऊँगी पराठा, लेकिन मैं थोड़ा लेट से बनाती हूँ पराठा। वैसे तो मैं बना सकती हूँ अगर अभी बना दूँ तो। मैं इस टाइम थोड़ा सा अपना फ़ोन का वीडियो वगैरह एडिट करती हूँ, इसीलिए अभी नहीं बनाती हूँ, बनाऊँगी। और इस टाइम पे तो कोई खाता भी नहीं है, थोड़ा सा मेरे घर में ऐसा टाइम है खाने का और सही टाइम पे ही सब खाना खा लेते हैं मेरे घर में। ऐसा नहीं कि 10 बजे 11 बजे रात को हम लोग खाना खाते हैं, ऐसा नहीं है हमारे घर में। मेरे जो पापा जी ससुर जी, वो सबसे पहले 8 बजे वो खाना खा लेते हैं। तो उनके खाने के बाद एक एक करके हम लोग भी सब खाना खा लेते हैं, और खाना खाने के बाद मैं 10 बजे तक मेरा सब कंप्लीट हो जाता है, किचन वगैरह कंप्लीट हो जाता है, साफ़ क्लीनिंग सब करके मैं साफ़ करके 10 बजे तक मैं अपने रूम में आ जाती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे यहाँ का कि सब टाइम पे खाना खा लेते हैं। ऐसा नहीं कि रात रात मतलब 12 बज जाता है कभी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब टाइम पर हो जाता है हमारे यहाँ पर। और सुबह भी सब टाइम पे हो जाता है, लेकिन सुबह सब बिजी रहते हैं थोड़ा बहुत, इसलिए नाश्ता नहीं कर पाते हैं जल्दी, सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। लेकिन रात को सही टाइम पे अपना सब खाना खा लेते हैं। तो अभी तो हम लोगों ने थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हम लोग थोड़ा सा फुचका खाए हैं, मतलब गुपचुप, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए तो हम लोग ज़्यादा नहीं खाते, मैं भी ज़्यादा नहीं खाती हूँ। और मैं भी जा रही हूँ अपना ग्रीन टी लेने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया, ग्रीन टी मैंने आज पिया नहीं है, वो भी मैं पीऊँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज, मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मैं दिल से आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, ऐसे मुझे आप लोग सपोर्ट करते रहिए। मैं आप लोगों के साथ सब बहुत कुछ शेयर करूँगी जो मैंने अभी तक दिल के अंदर रखा हुआ है, मैंने अभी तक शेयर नहीं किया। मैं सोच रही हूँ कि मेरे और फैमिली बढ़ जाए यूट्यूब पर, तब मुझे शेयर करने में अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ, इसलिए मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ। और कुछ प्लानिंग है तो वो सब अभी मेरे तैयारी चल रहा है, वो सब के लिए मैं भी आप लोगों को, आपकी बहुत सारी गर्ल्स ने मुझे बोला था कि दीदी अपने हेयर ऑयलिंग का तो डाला, लेकिन प्रॉपर मतलब कि जो आप करते हो अपने हेयर में वो सब भी डालो। तो डालूँगी, बहुत जल्द डालूँगी। और आप लोग कमेंट में मुझे बताना कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। मैंने 2-3 टॉपिक पर तो वीडियो बना दिया है, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था, और एक टॉपिक पर भी बाकी है बनाना, वो है मॉर्निंग रूटीन। वो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो मॉर्निंग रूटीन में मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो अभी तो फ़िलहाल मेरा एनिवर्सरी है, तो वही सबका ब्लॉग अभी जाएगा आप लोगों के पास। तो बस आज के वीडियो में इतना है, फिर मैं मिलूँगी कल आप लोगों के साथ एक न्यू वीडियो के साथ। और आने वाले वीडियो में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। हमारे साथ ही कोई 1 साल होने वाले हैं, लेकिन कुछ भी मतलब कि ऐसा होता है कि कुछ बदल जाए दोनों में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों में और हमारा बॉन्ड मजबूत हो गया है हम दोनों का 1 साल में बहुत ज़्यादा। तो आप लोग भी भगवान से प्रे कीजिएगा कि हमारा जोड़ी जो है ऐसे सलामत रहें, और हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहें। और मैं आप लोगों को बहुत कुछ बताऊँगी इनके बारे में, मुझे मौका मिला है बोलने का, तो मैं बताऊंगी इनके बारे में ये कैसे नहीं है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिर एक न्यू वीडियो के साथ मैं आऊँगी। तो बस आज के लिए बाय। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और मैं एक बात आप लोगों को बता दूँगी, बोलना चाहती थी कि मैं देखती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर इतना ज़्यादा है, लेकिन लाइक बहुत कम आते हैं, व्यू भी बहुत कम आते हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ अगर आप दिल से सब्सक्राइबर करें तो मेरे वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बस इतना ही बोलना चाहूँगी। तो बस आज के लिए बाय।